नमस्कार दोस्तों, हमारे इस वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज ये जानेंगे कि लकड़ी की चौखट किस प्रकार से बनाई जाती है। जैसा कि आप सामने देख रहे हो, हमने यहाँ पे तीन लकड़ी रखी हुई है। जैसे अपने को रेगुलरली जैसे रूम में बनाना हो तो तीन, यानी एक ऊपर की लकड़ी और दो साइड की लकड़ी, इन तीन तीन प्रकार से बनाया जाता है। जैसे इनका साइज़ है वो 2.5 बाई 6 का है फ्रेम का, जो लकड़ी का, और जो लकड़ी है वो आवेरी वुड में है। जैसा कि हमने यहाँ पे मार्किंग करके के भी रखा हुआ है कि किस प्रकार से किया जाता है, वो आगे आपको वीडियो में प्रैक्टिकली करके भी देख लेंगे और किस प्रकार से मेजरमेंट किया जाता है वो भी देख लेंगे। जैसे कि ये जो फ्रेम है वो डबल दांते वाला है, यानी इसमें दो दरवाजे लग सकते हैं। जैसे दो दरवाजे के लिए मेन गेट के लिए हुआ, या किचन के आउटसाइड में हुआ, जाली वगैरह लगाना हो तो दो का यूज अच्छा होता है। और सिंगल डोर वाला रहता है, उसका थोड़ा सा अलग प्रोसेस रहता है, कोई ज़्यादा कुछ खास नहीं रहता उसका, और कभी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो जैसा कि यहाँ पे सामने देख रहे हो, हमने इनका जो साइज़ है आपको बताया था 2.5 बाई 3 का है, तो आप यहाँ पे 3 बाई 6 का ले सकते हो, क्योंकि जितना ज़्यादा सॉलिड मोटा रहेगा तो उसमें बेंड होने का वो कम बहुत दिक्कत रहेगी। जैसे हमने यहाँ पे जो ऊपर वाले खड़े वाले लकड़े हैं यहाँ पे 2.5 का मार्किंग कर दिया पूरी तरीके से, आड़ी वाली लकड़ी का जितना मार्किंग था, और फिर यहाँ पे 1/2 इंच छोड़ दिया है, और जो ऊपर की साइड में जो जगह बच रही है वो कटने का मार्किंग है, उतनी लकड़ी बाहर निकल जाएगी कट के, यानी वो लंबाई में ज़्यादा थी लकड़ी, इसके लिए हमने ऊपर की साइड में मार्किंग ज़्यादा कर दिया है कि काटगुणे में अच्छी तरीके से कट जाए और कोई दिक्कत नहीं रहता है। और ऊपर की साइड से जो कटने का जो लकड़ी का मार्किंग किया उससे नीचे अपने 12 mm या 5 सुता मार्किंग कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं रहता है। जैसा कि हमने ये लकड़ी में किया हुआ भी है, यहाँ ऊपर की साइड से जो कटने का मार्किंग है उससे नीचे हमने 10 mm जैसा नीचे कर दिया मार्किंग, और नीचे जो 12 mm का मार्किंग किया है वो आगे चल के आपको वीडियो में भी दिखा देंगे कि इसका करने का रीज़न क्या रहता है। जो हमारा होल रहता है वो इसमें जो होल निकलेगा, जो बीच के अंदर जो चौरस दिखाई दे रहा है यहाँ पे मार्किंग, इतने एरिया में होल निकलेगा, वो पूरा आर पार निकाल देंगे। ये जो प्रोसेस है वो कातरे वाला नहीं है, इसे डायरेक्ट जो चौकटा बनाते हैं उसका प्रोसेस है। और जो हमको जैसे कि कहीं पे भी होल करना हो तो ऊपर वाली लकड़ी में होल करें, ताकि कोई दिक्कत नहीं रहता है, कभी भी चौकटा आगे पीछे सरकने का भी चांस नहीं रहता है। और यहाँ पे जो चोल, उसके अंदर जो चोल निकाली जाती है वो खड़े वाले चौकटे में निकाली जाती है, खड़े वाले फ्रेम में, और जो दोनों साइड के अंदर और नीचे की साइड में कुछ रहता नहीं, पूरा दो टांग का पूरा लंबा खड़ा रहता है। जैसा कि अपना मार्किंग पूरा हो जाने के बाद में ऐसे नीचे की साइड में भी पूरी तरीके से उतार देंगे, ताकि होल आर पार होने में आगे पीछे नहीं सरके। और जो हमने जो बारू बार मार्किंग किया है, जैसे अपना चौकटा 3 फुट का हो तो बारू बार पहले मार्किंग कर लेंगे, और फिर जितना लकड़ी आया उतना लकड़ी रख के मार्किंग कर लेंगे, और फिर 1/2 इंची छोड़ देंगे। और ऊपर की साइड में ये 1/2 इंची छोड़ने का रीज़न ये रहता है, नहीं छोड़ो तो भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं रहती। 1/2 इंची छोड़ने का कारण ये रहता है, जैसे अपने को चौकटा साइड से कट करना, फ्रेम वुड कर फ्रेम कट करना है, तो साइड वाली जो लकड़ी रहती है वो बाहर नहीं निकलेगी, इसके लिए वो किया जाता है। बाकी इतना कोई खास नहीं रहता है कि कोई दिक्कत नहीं रहती है, यदि नहीं रखो तो भी वो ऑलरेडी वैसे दब जाती है। जैसे अपने को फ्रेम काटना हो या प्लेन प्लास्टर में किया हुआ डायरेक्ट अपने को फिट करना है तो वो डायरेक्ट फिट हो जाता है। जैसा कि हमने एक लकड़ी में प्रैक्टिकली होल कर दिया है यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो कि इस प्रकार से होल कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं रहती है। और हमने 12 mm भी छोड़ दिया, और पीछे की साइड में भी लगभग 10 mm जैसा छोड़ दिया है। तो जो लकड़ी है वो आपको पहले भी बताया था कि जो ऊपर वाली लकड़ी में हमने होल किया है, और कोई दिक्कत नहीं है यदि आप इस प्रकार से करोगे तो। और सिंगल में रहता है उसका थोड़ा सा अलग प्रोसेस रहता है, और सेम यही प्रोसेस रहता है, उसमें ध्यान ये रखना पड़ता है कि पीछे की साइड में थोड़ा माल छोड़ना पड़ता है, ताकि वो फटने का चांस नहीं रहता है। और अपना जो दांता रहता है, ये साइड में जो अपना गैप छोड़ा रहता है, ये इसको आप 3.5 सुता या 12 mm तक बिठा सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं रहता है, क्योंकि 12 mm लगभग 12 mm 3.5 सुता में यदि अपना दरवाज़ा भी कितना भी बेंड हुआ तो बाहर से बाहर वाले से गैप नहीं दिखाई देगा। और ये जो 12 mm जो बच रहा है, इतने भाग में हमने वापस यहाँ से 45 डिग्री में उसको मिला देंगे। अभी जैसे हमने मार्किंग किया था यहाँ पे, हमने राइट साइड में भी इसी तरीके से होल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। जैसा कि आप सामने देख रहे हो, यहाँ पे हम होल कर रहे हैं उसके लिए जो ऊपर वाली लकड़ी में। यदि अपने पास ड्रिल हो तो ड्रिल से कर सकते हैं, मशीन हो तो मशीन से कर सकते हैं, बड़ी वाली प्लेनर से। तो हमारे पास खाली ज़्यादा करने का नहीं था, एक फ्रेम बनाने का था, इसके लिए हमने ज़्यादा कुछ यूज नहीं किया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे यदि ड्रिल वगैरह का होल करके आप होल निकाल सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं रहता है।
दोस्तों यदि साइडों में जो हम गैप छोड़ते हैं, जैसे अपने दरवाजे के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना छोड़ना है, जो हमने पेताम रखा है जिसको कई दांता बोलते हैं, तो वो डिपेंड करता है, जैसे दरवाज़ा सवा का हुआ तो सवा के हिसाब से रखेंगे, डेढ़ का दरवाज़ा हो तो डेढ़ के रखेंगे, उस प्रकार से रखा जाता है। और जो डीप रहता है वो 12.5 सुता से 12 mm तक रहता है, यानी 10 mm से 12 mm तक डीप रहता है जो दांते का रहता है। और जो ऐसे पौड़ाई रहती है वो 1.25 या 1.5 इंच के अराउंड में रहता है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, हमने यहाँ पे बड़े वाली लकड़ी में, खड़ी वाले में भी यहाँ पे पूरी अच्छी तरीके से कटिंग कर दिया, जैसा आपने पहले मार्किंग देखा था उस प्रकार से हमने यहाँ पे कटिंग कर दिया है। और साइडों से हमने यहाँ पे 12 mm 12 mm ज़्यादा रख दिया है, 12 mm जितना। वो आगे चल के अभी वीडियो में देख लेंगे कि उसको अंदर फंसा देंगे तो वो बराबर लेवल में ऑटोमेटिकली वो बैठ जाएगा। और पीछे की साइड में भी हमने यहाँ पे 16 mm का कट मारा है, जो कि हमने खड़ी वाली लकड़ी में भी आपको मार्किंग किया हुआ देखा होगा कि किस प्रकार से हमने यहाँ पे मार्किंग किया था। तो उसी प्रकार से वो जितना यहाँ पे गैप है उसमें उतना रह जाता है, तो आगे जाके वो अंदर की साइड में फिट हो जाता है। वो आपको प्रैक्टिकली वीडियो में भी करके दिखा देंगे फाइनल होने तक, तो आप वीडियो के साथ बने रहे। यहाँ पे जो हम यहाँ पे जो वुडन फ्रेम बना रहे हैं उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जो कातरे वाला फुल कातरे में जो 45 डिग्री में रहता है उसमें टाइम भी ज़्यादा रहती है और मेहनत भी ज़्यादा रहती है, मिलाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। जैसा कि इसमें इतना कुछ टाइम नहीं लगता है, वो जल्दी से हो जाता है और कोई दिक्कत नहीं रहता है, आराम से हो जाता है। जैसे आपने यहाँ पर वीडियो देख लिया तो एक बार देखने के बाद आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहेगा उसमें। जैसे अपनी लकड़ी का साइज अलग हो गया, जैसे 2x6 का हो गया या 3x6 का हो गया, तो मेजरमेंट सेम ही रहता है और मेथड सेम ही रहता है, इसी प्रकार से किया जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं रहता है। और हाइट और जो लेंथ रहता है वो कम ज़्यादा हो सकती है। जैसा कि हमारा जो फ्रेम था वो रख के रेडी हो गया है और फिटिंग के लिए रेडी है, जो कि अभी फिटिंग करके दे। दोस्तों यदि दीवार में फिट करना रहता है तो दो तरीके से रहता है, जैसे एक तो डायरेक्ट कोच बोर्ड लगा के फिट किया जाता है, दूसरी बात पीछे की साइड में क्लैंप लगा दिए जाते हैं, जो कि जो कंस्ट्रक्शन का टाइम रहता है या जो दीवार निकाली जाती है उसी टाइम दीवार बनाते हैं उसी टाइम फिट कर दिया रहता है। जैसे कि अपना चौकटा बिल्कुल रेडी होके तैयार हो गया, उसमें एक साइड में ग्लू लगा के अंदर की साइड में बिठा के बरोबर अंदर फंसा देंगे, और जितना होल किया हुआ है वो अच्छी तरीके से, जितना आपने ज़्यादा रखा था वो बाहर की साइड में ऑटोमेटिक ही बाहर रह जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। फ्रेम बनने से पहले ही वो चीज़ देख लेंगे कि काठगुणे में अपना मिलाया हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि फिक्स करने के बाद में वो फिर वापस अलग से नहीं कर सकते हैं उसका सेटिंग, वो जहाँ पे होल रहता है अपना उसी जगह पे वो बैठ जाता है। हमने जैसे यहाँ पे जो ज़्यादा माप आपको पहले मैं मार्किंग के टाइम में बताया कि हमने जितना ज़्यादा रखा था वहाँ पे, अभी जैसे आप सामने देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऊपर की साइड में बाहर निकल गया, और जो साइड वाली लकड़ी में हमने ज़्यादा रखा था वो ऑटोमेटिकली बाहर रख गया। जैसे ये बाहर निकला हुआ है वो ज़्यादातर दीवार में चला जाता है, यदि दीवार में नहीं रखना है उसको तो वहाँ से कट कर देंगे तो भी वो साइड वाली लकड़ी है वो बाहर की साइड में नहीं निकलेगी और कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि कटना है तो कट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, यदि दीवार रखना है तो दीवार के अंदर चली जाएगी। अपना यहाँ पे एक साइड का तो पहले से फिट होके रेडी हो गया है, खाली फिक्स करना है, और यहाँ पे जो लेफ्ट साइड का वो भी इसी तरीके से सेम तरीके से फिट कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं रहता है। यदि इसके अंदर फिटिंग के लिए रहता है तो यहाँ पे 3 इंच का स्क्रू लगा सकते हैं या किली का यूज कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। और पहले से उसको स्क्रू लगाने से पहले चेक कर लेंगे कि वो 90 डिग्री के अंदर है या नहीं है, क्योंकि नीचे का जो भाग रहेगा वो भी देखना पड़ेगा कि नीचे की साइड में रहता नहीं है, बराबर है कि नहीं है। और ऊपर की साइड में भी देख लेंगे ऐसे काटगुना लगा के कि 90 डिग्री में पूरा बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, तो कोई इश्यू नहीं आएगा। यदि दीवार आउट होगा तो अपना फ्रेम भी बिल्कुल सीधा रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फ्रेम को अच्छी तरीके से काटगुने में देखने के बाद में अपने ऊपर के साइड में स्क्रू लगा देंगे और साइड से किली लगा देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं रहता है। यदि डायरेक्ट 3 इंच का किली ठोकना हो तो किली ठोक सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं रहता है। और स्क्रू लगाएं तो सबसे बेटर रहता है, पकड़ आगे पीछे हिलने का कोई चांस नहीं रहता, और ऐसे ही डायरेक्ट उसको स्क्रू को ठोक देंगे, क्योंकि इतना लंबा कसना बहुत मुश्किल पड़ता है और लकड़ी की साइज़ भी मोटा रहता है। जैसे अभी अपना यहाँ पे दोनों साइड में स्क्रू वगैरह लगा के पूरा फिक्स कर दिया हमने,
और फिर उसको अच्छी तरीके से फिर वापस एक बार देख लेंगे कि आउट है कि नहीं है, और फिर इस तरीके से पट्टी मार देंगे कि अपने पास जैसा भी वेस्टेज पट्टी पड़ा रहता हो या दांते का निकला हुआ जो पट्टी रहता है उसको ऊपर की साइड में किली में क्रॉस में मार देंगे। ये पट्टी मारने का रीज़न ये रहता है, जैसे अपने को कहीं पर भी लगाना हो या कहीं पर भी ले जाना हो उसको तो हिलेगा नहीं, और एज इट इज यहीं पे वो फिक्स हो जाएगा, और ग्लू को 24 घंटे में सूखने के बाद में ये बिल्कुल हिलने का चांस नहीं रहता है। और ऐसे लेफ्ट और राइट में दोनों साइड में मार देंगे, यदि छोटा पट्टी हो तो छोटा पट्टी मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं रहता है, लंबा है तो लंबा मार देंगे दोनों साइड में। पहले 90 डिग्री में देख के ही मारेंगे क्योंकि वो है वही का वही, वो रुक जाएगा फेविकोल सूखने के बाद में। दोनों साइड के अंदर भी जो पट्टी बाहर निकला हुआ है उसको कट कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, और फिटिंग करने में भी आराम से फिट हो जाएगा। जैसा कि अपना यहाँ पे पूरा फिक्स हो जाने के बाद में जितने भी यहाँ साइडों पे जो लकड़ी लगी है वो भी कट जाएगी, और ऊपर का मेजरमेंट भी अपना सॉलिड ऊपर से देख लेंगे कि कितना आ रहा है, और जो अपना जितना भी ऊपर की साइड में आ रहा है उतना ही नीचे की साइड में रखेंगे, बिल्कुल नीचे की साइड में नीचे से 3-4 इंची छोड़ के मार्किंग करके उतनी पट्टी मार देंगे, क्योंकि यदि फ्लोरिंग में अंदर बिठाना हो तो 1 या 1.5 इंची वो अंदर बिठाएंगे उसको तो वो पट्टी अड़ेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि 2 इंची अंदर बिठाना हो तो भी 3 इंची से ऊपर पट्टी मार देंगे ये, और ऊपर की साइड में जितना माप है उतना ही रख के प्रॉपर मारेंगे ताकि वो काटगुणे में बराबर रहेगा और फिटिंग करने में आराम से फिट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये जो पट्टी लगाते हैं उसमें ग्लू का यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि ये जो फिक्स करने के बाद में वापस निकाल दिया रहता है और वापस उसको यूज कर लिया रहता है, और इसमें ग्लू नहीं लगाया जाता है। और यहाँ पे नीचे की साइड में फिट हो जाने के बाद में पूरा मेजरमेंट फिर वापस एक बार चेक कर लेंगे, और यदि आगे पीछे करना हो तो आगे पीछे करके उसको वहीं पर फिक्स कर देंगे। जैसा कि अपना वुडन फ्रेम है वो बिल्कुल रेडी होके तैयार हो गया, खाली फिटिंग करना ही बाकी है, और बिल्कुल इसी तरीके से बनाए रहता है। दोस्तों कहीं पे भी बनाना हो तो आप इस तरीके से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बेंड होने का भी चांस नहीं रहेगा। और साइड के अंदर जो क्लैंप लगेंगे कोच बोल्ट पीछे की साइड में, यहाँ पे 3 साइड में मार देंगे, 3 इधर की साइड में मार देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से हो जाएगा। जैसा कि अपना पूरा रेडी हो गया फ्रेम बन के वुडन फ्रेम, और साइडों में जो बुम्बे बचे हैं उसको क्रॉस में काट देंगे या आधा इंची डीप काट देंगे ताकि प्लास्टर साइड से नहीं टूटेगा। सो थैंक यू गाइस, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू।